हार्ड हिटिंग डायलॉग्स। हेलो भाई, आज हम आए हैं दिल्ली में, और दिल्ली में रहने वाले जो उत्तर प्रदेश समाज के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, उनसे हम उत्तर प्रदेश के चुनावों के ऊपर कुछ बात करेंगे, और हम उनसे पूछेंगे कि भाई योगी सरकार का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, और उन्होंने क्या क्या काम किए, क्या कुछ गलतियां रही, क्या कुछ कमियां रही, या योगी अपने कार्यकाल में अपने काम में खरा उतरे, ये हम पूछेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं उत्तर प्रदेश के जो दिल्ली में रहते हैं, और शायद उत्तर प्रदेश में भी ब्रॉडकास्ट करने जाएंगे जब चुनाव होगा। अच्छा, तो भाई आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शांत तिवारी है। हाँ, तो भाई शांत तिवारी, आप बताइए कि योगी का पिछले 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया था। उन्होंने यहाँ पे यूपी में कई सारे मतलब बाथरूम बनवाए हैं, लोगों को कॉलोनियां दी हैं, और मतलब कई योजनाओं से उनकी मदद भी की गई है। कई योजनाओं से? कौन कौन सी योजना है, कौन कौन सी योजना बताना चाहेंगे आप? कोई योजना गिनवाना चाहेंगे आप जो उन्होंने दी है? जैसे कि भाई, हाँ, जैसे कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर दिए हैं, जैसे उन्होंने जो बेघर लोग थे उनको मकान दिए हैं, समझ गए ना, जैसे कि उन्होंने शौचालय प्रदान किए भाई लोगों को, इस तरह से उन्होंने विकास किया है। अच्छा भाई, आप उत्तर प्रदेश के रोड्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अखिलेश का शासन काल था जब 2012 से 2017 तक, तब मतलब जो है रोड्स की क्या हालत थी, और अब क्या हालत है उत्तर प्रदेश में? सर देखिए, ज्यादा सुधार तो है नहीं, मतलब ठीक ठाक है रोड भी, और पहले से तो ठीक है सर। योगी सरकार अभी जैसे आई है वैसे सब सही है सर, लेकिन हम भी चाहते हैं कि अभी भी योगी सरकार ही आए। अच्छा, योगी सरकार आए? जी सर। तो बताइए आप किस बेस पे कह सकते हैं कि भाई योगी सरकार दोबारा से आए? सर देखिए, हम यहाँ पर गैस सिलेंडर दिए हैं गरीबों को, और मकान दिए हैं, और रोड्स अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छी है, और क्या चाहिए गरीब इंसान को। हाँ, और भाई, और आपकी जो ये लोग भागे थे दिल्ली से महामारी के टाइम पे, उन लोगों की किस प्रकार मदद की है? सर मदद ये सर पैसे दिए, राशन बांटे हैं। राशन फ्री बांटा गया है या राशन? जी सर, राशन फ्री बांटा गया है, काफी ज्यादा। ओके भाई, बताइए आपका नाम क्या है? राजदीप। तो राजदीप बताइए, सामान्य जैसा कि कहा है कि भाई योगी सरकार ने अच्छे काम किए हैं, कुछ गलतियां भी रही होंगी, आप बता सकते हैं कुछ गलतियां क्या रही होंगी योगी सरकार की पिछले 5 साल में? सर गलतियां तो कुछ वैसे कुछ किया नहीं उन्होंने। अच्छा, तो उन्होंने जैसे कि अच्छे काम किया, जैसे कि एयरपोर्ट बनाया, सड़कें बनवाया, कुछ लाभ दिया उनको फ्री में, जैसे श्रम कार्ड में, ये सब में जैसे सर हजार रुपए दिए गरीबों को, और क्या अच्छे से। अच्छा, और आप बताइए कि इस समय और उत्तर प्रदेश में आप किस सरकार को चाहते हैं? सर हम चाहते हैं योगी आना चाहिए, योगी सरकार। तो कितना मानते हैं आप, 403 में से कितनी सीटें आप मानते हैं कि योगी सरकार कितनी सीट लेके आएगी? सर मेरे ख्याल से 400 लेके आएंगे। 400 लेके आएगी, आपको ज्यादा नहीं बता रहे अखिलेश की तरह? अखिलेश ने भी कहा था कि भाई अगर अम्बेडकरवादी और समाजवादी दोनों इकट्ठे हो जाए तो 403 में से भाई हमारे गठबंधन की 400 सीट आएंगी। तो क्या आप अखिलेश वाली बात को योगी के लिए दोहरा रहे कि भाई उनकी 403 में से 4 सीट आएंगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, मतलब। तो लगभग कितनी सीटें मानते हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए और भाजपा गठबंधन के लिए? सर अब कितनी आएगी वो तो चुनाव के बाद ही बताएंगे ना सर। हाँ, वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, एक्चुअल तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन कोई अंदाजा हो आपका? अंदाजा में सर 350 कुछ ऐसे ले आएंगे। 350 के आसपास? अच्छा भाई, नाम बताइए आप अपना। रोहित कुमार। तो रोहित जी बताइए आप कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया रहा। हाँ, तो आप क्या चीजें गिनाएंगे कि भाई ये चीजें बढ़िया रही और ये चीजें गलत रही? जी वही जो गैस फ्री बांटी है, सड़कें बनवाई है, कच्ची सड़क, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैसें बांटी गई है, और इसके बाद सड़कें, वो जो टूटी हुई सड़कें थी उसको सही बनवाया है, और गाँव में क्या विकास हुआ कुछ बता सकते हो? गाँव में क्या विकास देखते हैं आप योगी सरकार का? स्कूल बनवाए हैं, और हॉस्पिटल बनवाए हैं। अच्छा भाई, आप बताइए अपना नाम क्या है? मोहम्मद सिराज। तो बताइए भाई, आप योगी सरकार का कार्यकाल पिछले 5 साल का कैसा रहा? बढ़िया रहा। तो बताइए कुछ बढ़िया बातें बताइए कि क्या क्या बढ़िया बातें रही। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? केशव कुमार। तो केशव कुमार, बताइए आप योगी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा रहा। तो बताइए कौन कौन सी चीजें अच्छी की उन्होंने जिन्हें आप गिनवाना चाहेंगे एक दो चीज? सर स्कूल में लाइटें लगवाई, पंखे दिए। स्कूल में लाइट लगवाई, पंखे दिए, और बच्चों बैठने का डेस्क लगवाई। अच्छा जी, और आगे बोलिए। सर
पानी दिया। अच्छा तो भाई, हाँ तो भाई सावन, अब आप बताइए कि योगी सरकार पर सांप्रदायिक होने का आरोप लग रहा है कि भाई ये भाजपा वाले हैं जो ये हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप इस आरोप को सही मानते हैं या अखिलेश सरकार के शासनकाल में ऐसा कुछ हुआ था? सर देखिए, मैं थोड़ा बहुत इसमें समर्थन दूंगा क्योंकि सर ऐसे मुस्लिम के हिसाब से जो नाम चेंज करे जा रहे हैं, जिलों के नाम बदल दिए जा रहे हैं, गाजियाबाद उसका सॉरी कुछ भी नाम रख रहे हैं सर जी, उसका ताजमहल का राम महल बोल रहे रख देंगे हम, तो सर ऐसा इतना जो पहले से रख चुके हैं ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ तो भाई तिवारी, शाम तिवारी आप बताइए कि जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, जैसे एक दो ऋषि के नाम और बदले गए, आपको क्या ऐसा लगता है कि इससे भाई मुसलमानों की जो पहचान है, जैसे पहले इलाहाबाद था और अब क्या उसका नाम रख दिया प्रयागराज, ऐसे लगता है आपको जो आइडेंटिटी है मुस्लिम की उस पर कोई फर्क पड़ा है इसका? जी बहुत फर्क पड़ा है। क्या फर्क पड़ा समझाइए, मतलब उनका ईमान छीने जा रहा है, उनकी जो पहचान है उन पहचान हटा दी जा रही है, उनको जहाँ रहने की उनकी जगह है उन सबको खाली करवा के वहाँ पे हिंदुओं का धर्म वहाँ पे किए जा रहे हैं। अच्छा ऐसा लगता है आपको? हाँ जी ऐसा लगता है आपको। हाँ अच्छा, हाँ भाई तो बताइए भाई राज, आप बताइए कि और योगी सरकार का और कौन सा काम गिनवाना चाहेंगे, पांच कामों में से कोई बेस्ट काम आप बताइए, सबसे बेस्ट काम कौन सा योगी सरकार का? सर उन्होंने सबसे बेस्ट काम तो ये किया है कि वो मतलब हॉस्पिटल बनाया ज्यादातर अच्छा। उत्तर प्रदेश में, ताकि मतलब जो जाना मतलब दूर ना जाना पड़े उनको ऑपरेशन जैसे इलाज करने के लिए, दूर ना जाना पड़े, नजदीक में कोई हॉस्पिटल दे के मतलब और फ्री में ऑपरेशन करवा इलाज करवा सके। अच्छा जी, तो भाई कैसे बताइए आप कि भाई समाजवादियों का ये आरोप है योगी सरकार के ऊपर, और समाजवादी अभी भी खुद दावा कर रहे हैं कि हम होते तो एक साल में ही हम अयोध्या में राम मंदिर बना लेते, क्या आप उनके इस दावे को सही मानते हैं, समाजवादी पार्टी के दावे को जो अखिलेश पार्टी है, तो कैसे आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हाँ भाई सिराज खान आप बताइए, भाई सिराज अली आप बताइए, सिराज अली नाम आपका, तो आप बताइए कि समाजवादियों ने दावा किया है कि भाई हम होते तो हम जो एक साल में अयोध्या में राम मंदिर बनवा देते, क्या ऐसा था वो पांच साल में तो उन्होंने नहीं बनवाया, नहीं बनवाया, अब कैसे वो दावा कर सकते हैं कि हम एक साल में बनवा देंगे राम मंदिर, ऐसे दावा करते हैं नहीं बनवा सकते, नहीं बनवा सकते, तो बताइए योगी सरकार ने राम मंदिर बनवा के अच्छा किया बुरा किया? हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसमें कोई भाजपा का किसी पार्टी का फैसला नहीं था, अगर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय नहीं देता कि भाई यहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए तो निश्चित रूप से वहां पर राम मंदिर नहीं बनता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसको योगी सरकार खुद अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, क्या आप इस क्रेडिट को सही मानते हैं? सही मानते हैं। हाँ भाई रोहित आप बताइए कि जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना में लोगों को गैस सिलेंडर दिए गए और जिन लोगों को जिनके पास मकान नहीं थे वहां कॉलोनियां बनवा करके स्पेशल कॉलोनियां दी गई, और भाई जिन पे फ्री राशन मिल रहा है दो बार महीने में, उसमें तेल भी मिल रहा है चने भी मिल रहे हैं, आप योगी सरकार के इस कदम को कैसा मानते हैं? बढ़िया है सर जी, बढ़िया है, और बताओ और कुछ कहना चाहें आप योगी सरकार के बारे में? योगी सरकार तो सही काम कर रही है, सही काम कर रही है। अच्छा भाई सावान आप बताइए कि ऐसा आरोप लग रहा है, ऐसा आरोप नहीं लग रहा, इस तरह से कहा जा रहा है कि वो के शेड्यूल कास्ट हैं जो वो मायावती को वोट ना दे करके भाई भाजपा को वोट देंगे, तो आप कैसा मानते हैं वो देंगे या नहीं देंगे? सर देखिए, अगर अच्छा काम करेंगे तो कोई भी हो, चाहे नीचे जात का हो चाहे ऊंची जात का, अच्छे काम करेंगे तो सबको वोट मिलेगा सर, वोट तो सबका मिलेगा। आप बताइए भाई, आम तौर पर समाजवादी पार्टी का ये दावा रहा है कि वो एम वाई समीकरण, एम मीन्स मुस्लिम और वाई मीन्स यादव, कि भाई मुस्लिम यादव जो समीकरण है उसे वो साधना चाहते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि मुस्लिम और यादव के वोट पर ही वो जीत करके दोबारा सरकार बना सकते हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, वो अपने काम पे बना सकते हैं, ऐसे नहीं बना सकते, अपने काम पे बना सकते हैं। तो ऐसा कोई काम आपको दिख रहा है अखिलेश यादव का 2012 से 2017 के बीच कि भाई उस काम की वो उस काम को जनता के बीच ले जाए और वोट मांगे? अखिलेश ने वैसे ज्यादा काम तो किया नहीं है, जो किया अभी योगी ने किया है, अभी पांच साल के अंदर अभी ने एक नई रोड भी बनाई थी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, फैजाबाद का नाम बदल गया, अयोध्या रख दिया गया, वहाँ पे राम मंदिर बनवा दिया गया है, मतलब मुसलमानों से उनकी जमीनें ली गई तो उनको दूसरी जगह उनको जमीनें भी दी गई हैं। किसके लिए? अपना मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए उनको जगह दी गई अलग, और वहाँ पर मस्जिद तामीर भी हो रही है, उसका निर्माण भी शुरू हो गया है, और वहाँ पे एयरपोर्ट भी बनाए जा रहे हैं। हाँ तो बताइए भाई आप सिराज खान आप बताइए कि योगी सरकार ने
ये तो नाम बदल के रखा है, ये फैजाबाद का अयोध्या रख दिया, और भाई इसका इलाहाबाद का क्या रख दिया, प्रयागराज रख दिया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं? अच्छा भाई राज, आप बताइए कि आप जो है किस प्रकार कहेंगे कि योगी सरकार का 5 साल का कार्यकाल संतोषजनक रहा? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब जैसे उन्होंने अच्छा अच्छा काम किया, जैसे कि एयरपोर्ट बनवाए, बिजली लाए, बच्चों को अस्पताल बनवाए, बच्चों को स्कूल बनवाए अच्छे अच्छे, और जैसे मतलब अभी हाल फिलहाल में कुछ मतलब यूपी में मेट्रो भी चले सर। अच्छा, कानपुर में मेट्रो बनवाई है? यस सर। अच्छा ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ेगा उनके वोटों पर? यस सर, वोटों पर सर पड़ेगा ही पड़ेगा, मतलब जो मतलब काम धंधे करने वाले हैं वो मतलब अपने काम पे जल्दी पहुंचेंगे, और उसको जल्दी मतलब उसके कारण उसको वोट भी मिलेंगे इससे सर। अच्छा भाई आप बताइए कि सब उत्तर प्रदेश में जो भी गरीब तबका है उसको यानी कि एक महीने के अंदर 2 बार राशन मिल रहा है, उसका तेल भी मिल रहा है, बताते चने भी मिल रहे हैं, इसको आप योगी सरकार का कैसा मानते हैं काम? सर अच्छा काम। अच्छा काम है, इससे क्या गरीबों की मदद हो रही है? सर हो रही है। और जो जन धन योजना है उसके अंदर कुछ पैसे भी ट्रांसफर किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर अच्छा काम है। अच्छा काम किया है। हाँ भाई आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे जन धन योजना के बारे में, जब लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जो भी महीने 500 या 1000 है वो हर महीने ट्रांसफर होते हैं? सर जी बढ़िया है। और किसान जो सम्मान योजना है, सम्मान निधि योजना, जिसमें हर किसान को पर 3 मंथ में 2000 रुपए मिलते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी उनको खेती के लिए 2000 रुपए दिए जा रहे, क्योंकि कोविड में उनकी खेती कम हुई थी। अच्छा हाँ भाई, तो भाई हम तो भाई देखा आपने इन लोगों का ये रिएक्शन है, और इस रिएक्शन से पता चलता है कि भाई योगी सरकार, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि वोट की कैसे कास्टिंग होगी और कौन पार्टी कितना सीट जीतती है। वैसे असल मुकाबला इस समय समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है और भाजपा गठबंधन है, इन दोनों के बीच में है, और हम देखेंगे 10 मार्च को कि आखिर रिजल्ट क्या रहता है।